अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल जेड के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज जो सबकी फेवरेट होती है, बच्चे हो या बड़े सभी को ये चीज बहुत पसंद होती है। जैसे कि इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मियां हो रही है, गर्मियों के सीजन में अक्सर हमारा दिल कुछ ठंडा खाने को करता है और उसी को लेकर आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो कि हर किसी को बहुत फेवरेट होती है। आइए आज हम बनाते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम तो कई तरीके की बनाई जाती है, लेकिन आज हम बनाएंगे कॉर्न स्टार्च से आइसक्रीम और बहुत ही सिंपल तरीके से। आइए मैं आप सभी को आइसक्रीम बनाकर बताती हूँ और हम इसमें एक आइसक्रीम का बेस बनाएंगे और उसमें जो फ्लेवर आपको चाहिए आप वो फ्लेवर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने एक कढ़ाई गरम के लिए रखी हूँ। इसमें मैंने एक लीटर बॉइल्ड दूध ली हूँ। मेरे पास ये बॉइल्ड दूध था इसलिए मैंने इसे ली हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसे हमें अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ठंडा मिल्क लेकर रखी हूँ। इसे हम आगे यूज करेंगे। इसे हम अच्छे से कढ़ाई के दूध को अच्छे से बॉइल होने देंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे दूध में बॉइल आ चुका है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करते हैं। शक्कर मैंने यहाँ पर 6 टेबल स्पून भर के ली हूँ। अगर आप इसे कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम हल्की मीठी अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसमें शक्कर ज्यादा डाली हूँ। और अभी शक्कर अपना पानी रिलीज करेंगी इसलिए हम दूध को थोड़ी देर उतारते हैं। 5 से 10 मिनट तक हमें दूध इसी तरह से धीमी आंच में हिलाते हुए पकाना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आइए हमारा दूध बॉइल हो रहा है तब तक के हम कॉर्न स्टार्च का घोल तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के कॉर्न स्टार्च ली हूँ और ये 3 टेबल स्पून दूध है, ये ठंडा दूध है। इसमें हम ये मिक्स करते हैं कॉर्न स्टार्च और इसे अच्छे से एक घोल बनाकर तैयार करते। इस घोल को हमें हमारे दूध में मिक्स करना है। जितना गाढ़ा हमें चाहिए हम उतना डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमारा दूध अभी बॉईल हो रहा है। हमारा दूध जब बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। आइए देखते हैं। आइए देखिए हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। हमने इसमें जो शुगर ऐड किए थे वो जो पानी रिलीज करती है हमने सिर्फ दूध को उतना ही बॉईल किया है। हमारा दूध देखिए कितना अच्छे से बॉईल हो चुका है। हमने इसे तकरीबन 7 मिनट तक बॉईल किया है। अब हम इसमें इस स्टेज पे वैनिला एसन डालेंगे। आप अगर एसन नहीं खाते तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वैनिला एसन डाल रही हूँ। वैनिला एसन के मैंने 4 से 5 ड्रॉप डाली हूँ। इसे मिक्स करते हुए हम इसमें कॉर्न स्टार्च का जो मिक्स हमने बनाए थे, घोल बनाए थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे और एक हाथ से दूध को हमारे स्टर करेंगे। कॉर्न स्टार्च का जो ये घोल होता है इसे डालने से पहले हमें इस तरह से चला लेना है क्योंकि कॉर्न स्टार्च नीचे बैठ जाता है। आइए हम इसे ऐड करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे और देखेंगे हमारी दूध की जो थिकनेस हमें चाहिए वो कब तक आती है। ये देखिए हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। कॉर्न स्टार्च हमने पूरा इसमें ऐड कर चुके हैं और हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। हमें कॉर्न स्टार्च की जो कच्ची स्मेल होती है उसे निकाल देना है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 मिनट लगते पकाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप हमारा दूध कितना गाढ़ा है। हमें बहुत थिक नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं आप जिस इस तरह से जब हम चम्मच को उल्टा करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आपस में जल्द से जल्द मिक्स नहीं हो रही है। ये लाइन हमें इतना ही थिक चाहिए, इससे ज्यादा थिक हमें नहीं चाहिए। आइए अब हम गैस को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा मिल्क बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मलाई मिलाते हैं। ये मलाई मेरी 3 टेबल स्पून के आसपास है। हम इसे इसमें मिक्स कर देते हैं। आप अपने घर में जो भी मलाई हो फ्रेश वो यूज कर सकते हैं। हमें इसे डालकर मिक्सी में चलाना है, लेकिन ये मेरे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो मैं इसे बीटर से बीट कर लेती हूँ। मैं इसे स्लो स्पीड पर बीट करूंगी। इस तरह से मैं इसे स्लो स्लो बीट करके ले लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसे अच्छे से बीट कर चुके हैं। आप इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। इसे स्लो स्लो ग्राइंड करना है,
मेरा ये बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने इसे बीट की हूं। अब हम इसे इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज करके करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर और ऊपर से इसका लीड लगा देंगे और इसे फ्रीजर में 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रीज करेंगे। आगे फिर उसका प्रोसेस हम दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम जमी है और ये इसमें एक भी क्रिस्टल नहीं आया इसका। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप एक बार जरूर बनाइए। आइए अब हम इसे एक बॉल में डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। ये देखिए हमने आइसक्रीम को अच्छे से बीट कर चुके हैं, आप देख सकते हो ये कितनी क्रीमी है। मैंने इसे 2 मिनट तक बीट की हूं। आइए अब हम इसे और 2 मिनट बीट कर लेते हैं। ये देखिए अभी हमने आइसक्रीम को अच्छे से बीट कर चुके हैं और मैंने यहाँ पे 3 स्मॉल साइज के ये बॉक्स ली हूं डब्बे, इसमें हम थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम ऐड करेंगे और इसमें हम ये अलग अलग फ्लेवर्स ऐड करेंगे। मैं दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए मैंने इस तरह से बाउल में ट्रांसफर की हूं। अब हम इसमें फ्लेवर्स ऐड करते हैं। ये लिए मैंने ओरियो के वेनिला फ्लेवर के बिस्किट से, ये इसे मैंने क्रश की हूं हाथ से ही और एक बाउल में हम इसे ऐड करते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमें सिर्फ इसे मिक्स करना है। अगर आप इसकी जगह पे फ्रेश फ्रूट यूज करेंगे तो उसे मिक्सी में एक बार चला लेना है। ये लियो मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश, ये देख सकते हो आप, ये 1 टेबल स्पून भर के इसे भी मैंने इस तरह से ऐड कर दूंगी और सिर्फ मिक्स करूंगी। आप इसी जगह पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं या फिर कोई भी फ्रूट ले सकते हैं और उसे एक बार मिक्सी में चला लीजिए। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लियो मैंने बटर स्कॉच क्रश, ये भी मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देख सकते हो आप, चाहो तो इसमें बटर स्कॉच क्रश में बटर स्कॉच की फ्लेवर आइसक्रीम में जो कैरेमल हम बनाते हैं पीनट्स के साथ आप वो भी डाल सकते हो, उसको क्रश करके वो भी डाल सकते हो, बादाम को कैरेमल में मिक्स करके जिसे हम चिक्की भी कहते हैं वो उसको भी क्रश करके आप वो भी पीसेस ऐड कर सकते हो। ये यहाँ पे लियो मैंने चॉकलेट, ये डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड है, मैंने इसे इस तरह से शेड की हूं और अभी हम इसे भी ऐड करते हैं। चॉकलेट वाला पीस जो है मैंने वो ज्यादा वाला रखी हूं, इस तरह से मैं उसे सिर्फ मिक्स कर रही हूं और इसमें थोड़ा सा मैं बोर्नविटा डाल रही हूं, ये बोर्नविटा का बड़े बड़े क्यूब होते हैं ना वही है बस, इसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें मिक्सी में नहीं चलाना है, इसे सिर्फ हमें मिक्स करना है। हमारे सभी फ्लेवर्स मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे कवर करके इसको अच्छे से लीड लगा देंगे, इस तरह से अच्छे से लीड लगा देंगे और फिर इसे फ्रीजर में हम 8 घंटे के लिए फ्रीज कर लेते हैं, फिर आपको बता। ये देखिए हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है, हमने इसे 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीजर में रखे हुए थे। इसे इस तरह से सिल्वर फॉइल से कवर करके और ये आप देख सकते हो कितनी अच्छे से परफेक्टली जमी है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है इसमें। ये देख सकते हो हमारी सभी आइसक्रीम्स बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए आप भी एयरटाइट कंटेनर में रखिए या फिर इस तरह से उसे सिल्वर फॉइल से कवर कीजिए। हमारी सभी फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, ये देख सकते हो आप, ये बटर स्कॉच, ये देखिए हमारा ये चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर में हमने थोड़ा सा क्रश भी ऐड किया था और ये देख सकते हो आप नीचे कितने अच्छे से क्रश भी सेट हो चुका है। आइए अब हम इसे डीमोल्ड करते, ये देखिए कितनी अच्छे से सेट हुई हमारी आइसक्रीम, देख सकते हो आप,
ये देखिए हमारी आइसक्रीम सभी कितने अच्छे से सॉफ्ट हुई है और कितनी, एक भी आइस क्रिस्टल नहीं जमा इसमें और ये बहुत ही फ्लेवरफुल है। आप चाहे तो इसे फ्रेश फ्रूट के साथ भी बना सकते हैं, ये देख सकते हो आप कितनी अच्छे से बनी है। ये देखिए ये ओरियो फ्लेवर, सभी फ्लेवर हमारे बहुत ही अच्छे से मेल्ट हुए और बहुत ही अच्छे से बने हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और ताकि आपको आने वाली मेरी सभी इस तरह से न्यू रेसिपी और सिंपल वे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। आप ये सभी रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। तब तक के लिए चलती हूँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।